देखिए सोसाइटी के में ये जो रवैये हैं इनको इन रवैयों को जो है हमें उसके हवाले से अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है मीडिया के जरिए से जो हम स्कूलों में इन लोगों के हवाले से हमें एक अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है कि सिर्फ औरत मर्द की ही इस दुनिया में अल्लाह ने पैदा नहीं किया बल्कि ट्रांसजेंडर भी हैं उसमें ट्रांससेक्चुअल लोग भी हैं उसमें हर तरह के जो लोग हैं हम सबको जो है उनका उसी तरह ह्यूमन वो पाकिस्तान के सिटीजन है उनके तमाम वही राइट हैं जो किसी भी यू नो औरत या मर्द सिटीजन के हैं लेकिन हमारे यहाँ इतना ज्यादा आप देखें कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से एक बिल्कुल फोबिया इस तरह का है जिसकी वजह से दिन ब दिन हम ये देख रहे हैं कि ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ जो है वायलेंस वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है तो मैं समझती हूँ कि लॉ तो हमने बना लिया लेकिन लॉ के ऊपर देखें जो इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहा कोई नहीं पूछता पुलिस और यू नो जुडिशरी से या गवर्नमेंट से कि भाई जिन लोगों के ऊपर ये जुल्म होता है उनकी FIR क्यों नहीं करती है पुलिस क्यों उनकी FIR नहीं करती है जुडिशरी में क्यों उनके फैसले नहीं होते उनको क्यों उनके खिलाफ जो लोग जुल्म करते हैं उनको क्यों सजाएं नहीं होती तो एक देखिए कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी एग्जिस्ट करता है कि ट्रांसजेंडर जो है उनको हम इंसान ही नहीं समझते उनके हकूक की जो मर्जी पायमाली कर ले कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि ट्रांसजेंडर्स को आइडेंटिटी कार्ड फराहम कर दिया गया है लेकिन उनको ट्रेवल राइट्स नहीं है ऐसा कैसे मुमकिन है मूव तो करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तो जाएंगे ये तो बुनियादी हक है किसी भी इंसान का बिल्कुल नहीं मेरा कहना है मतलब ऑब्वियसली वो तो कोई भी सिटीजन पाकिस्तान का सिटीजन जो है उसकी मोबिलिटी तो यू नो कानूनी हवाले से कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता पूरे पाकिस्तान में जो जहां जाना चाहे जा सकता है तो व्हाई नॉट ट्रांसजेंडर पीपल आई मीन दे आर ऑल्सो फ्री टू मूव वो भी जहां जाना चाहे पूरे मुल्क में पूरा मुल्क उनका है वो जिधर जाना चाहे जा सकते हैं तो साहब आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात कर रही हैं वो तो अपनी जगह लेकिन यहाँ पे तो इंसान को इंसान ही नहीं समझा जा रहा जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं वो ही नहीं फराहम किए जा रहे और उसके बाद रवैया ये है कि ये कल वाकया हुआ था उसके बाद जाहिर है हम तो इसे उठा रहे हैं मामले को क्योंकि लार्जर पर्सपेक्टिव पे चीजों को दिखाना होता है आवाम की नुमाइंदगी को दिखाना होता है लेकिन जो हुकूमती अरकान है या जो मुतालिका एयरलाइन है या जो एयरपोर्ट का अमला है उसके खिलाफ अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई सामने नहीं आई कि ये वाकया क्यों हुआ। बिल्कुल जी वही मैं बात कर रही हूँ कि देखिए अल्टीमेटली जो सोसाइटी के अंदर जो इस तरह के क्राइम्स कमिट किए जाते हैं जो वायलेंस होता है उसका वो उसके बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह ही यही है कि जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं क्योंकि रूल ऑफ लॉ हमारा जो है वो खत्म होता जा रहा है और लोगों को के अंदर जजा और सजा का खौफ खत्म हो गया है जिसकी वजह से आप ये देखें कि वो बेधड़क इस तरह की चीजें कमिट करते हैं और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कोई नहीं उसका एहतसाब करता कोई नहीं पूछता कि लोकल पुलिस ने क्यों उसकी जो है वो FIR नहीं काटी या उनको क्यों नहीं मुजरिमों को पकड़ा तो मसला ये बात यही है कि सोसाइटी के अंदर जो है वो एक जो ह्यूमन राइट्स का जो एक समझे वो होती है ना वो होती है वैल्यू होती है वो खत्म होती जा रही है मतलब लोग हर को अब आपाधापी यू नो हर बंदा जो है वो अपने उसमें सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर जो है इस वक्त है या लोग अपने जिंदगियों में इतने जो है स्ट्रगल में पड़ चुके हैं कि इर्द गिर्द अगर कुछ कोई जुल्म होता देखते हैं कि जब तक उनके साथ कुछ ना हो वो बोलने के लिए तैयार नहीं है इसी वजह से हम ये देखते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ज्यादा आप देखें खुद ही ऑर्गेनाइज हो रहे हैं मुख्तलिफ ट्रांसजेंडर ग्रुप्स हैं जो खुद अपनी स्ट्रगल करें अपनी बात करें अपने हकूक की बात करते हैं लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पूरे जो पाकिस्तान में जो आवाम है उनको उनके साथ खड़ा होना चाहिए हुकूमत के वक्त उनके साथ खड़ा होना चाहिए और उनके खिलाफ जो भी जुर्म और जुल्म हो उसको फौरी तौर पर कम से कम वक्त में उन लोगों को जो है उनको पकड़ना चाहिए और उनको उनके तमाम आवाम को और बिलखसूस तमाम हुकूमत को खड़े होना चाहिए। इस वक्त शहजादी के साथ बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला न्यूज के लिए हमारे साथ ही मौजूद रहेगा हमें ज्वाइन के समाजी कमर नसीम ने भी बहुत शुक्रिया आपने।